हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो कल जब देसी गेमर्स एक्स मिनिया और जोंटी गेमिंग के साथ मिलके गेम खेल रहे थे, तो उस टाइम उनके गेम में हैकर आके उनको मार दिया। और उसके बाद जब गेम खत्म हुआ, तब देसी गेमर्स और जोंटी गेमिंग हैकर के ग्रुप में गए। और हैकर्स लोग खुद का गलती मानने के बजाय देसी गेमर्स और जोंटी गेमिंग को काफी कुछ सुनाने लग गए। और इसके वजह से देसी गेमर्स और जोंटी गेमिंग गुस्सा हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ और ये पूरा सीन क्या था, आप लोग खुद देख लीजिए। भाई ये कहाँ से आया छोटी भाई? मेरे को नहीं पता, टावर में कोई नहीं था भाई, अचानक टेलीपोर्ट हो गया आगे कोई दूसरा। कारला के ग्रुप में गुस्से देखते हैं। हेलो अमित भाई, प्लीज भाई कुछ भाई कुछ तो शर्म करो सालो भाई, इतना कुत्तों की तरह मारा तुम लोगों ने यार। क्या शर्म करे भाई, सुन 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 भाई, हम भी नॉर्मल खेलते हैं भाई, ठीक है भाई। भाई इतना कुत्तों की तरह एमएचपी से हेड पे हेड हेड पे टीम कर सकते हो? अरे अरे सुनना सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। अरे एक बंदे को बैक में जंटी भाई बात करेंगे। भाई मैं कैसे बोलूँ, तुम लोग हैक करके खेलते हो भाई, कुछ तो शर्म करो। हम गाइस इसको थोड़ा बहुत गाली दे दिया, मैं भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, बाद में इसको बुला के इसे गाली दूंगा। और पता क्या बोल रहा है तुम? हाँ नहीं कर रहा। अरे चूतिया, तू खुद खेल रहा है, हैक कर, हैक करके खेल रहा है, शर्म नहीं उसको? नहीं हैक करके तुम खेलो ना, तो भाई वो जादू है, मारता हूँ मैं ऐसे ही। नहीं हैक करके तुम खेलो, खेलता हूँ। और गालियां हमें दे रहे हो कि हम कुछ नहीं करते, तुम्हारी भैंस की। गाइस गाइस साउंड मैंने ऑफ किया था जानबूझ के, यहाँ पर थोड़ा बहुत इंग्लिश में टॉकिंग चल रही थी हमारा, तो माइक ऑफ था इसलिए। मैं मतलब ये भी सही है यार, हैक तुम करो भाई। क्या बोल रहा है पता है, क्या बोल रहा है, तुम लोग कुछ नहीं करते भाई, मैं घंटे में फ्री फायर का मार ली हूँ क्या साले, खुद हैक करके खेल रहा है, शर्म धर्म नहीं है भाई, नूबड़े गधे भाई। भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हो तो रात को आई हो तुम? हाँ रात को नहीं, स्ट्रीम खत्म करके कभी भी आई हो। ऐसे नूबड़े लोग ग्रैंड मास्टर जाके बैठे हुए यार। ओके तो उसकी लेवल क्या थी वो, मतलब भाई उसका आईडी, उसका आईडी तो बैन हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाए। अरे हमें तो किस रैंक पे था वो भाई? सिल्वर पे था भाई, बॉट साला। अरे साथियों साथियों कराते हो उस भाई खुंदस, वो पता क्या बोल रहा है? हाँ भाई तुम नूबड़े हो, पैसा खाते हो, तुम कुछ नहीं करते। अरे भाई करीना, मेरे बाप का करीना ना, मैं बोलता हूँ उनको, पापा करीना करो है ना, पापा कुछ करो, अगर नहीं मैं बंद करवा रहा, बोलता हूँ मैं। अलग ही है यार भाई, हम क्या करना, बंद कर दो ना, है कोई गरीना वाले थोड़ी कर रहे हो, तुम ही तो कर रहे हो ना भाई, फेयर तो खेलो कम से कम। और प्लस तो बैन नहीं, फ्री फायर वाले को मैं बस इतना बोलूंगा, फ्री फायर वालों अगर तुम मेरा स्ट्रीम देखते हो, मानते हो मेरी बात को, आराम करो, डबल रैंक टोकन हटाओ सालो, क्रो इज्जत नहीं है डबल रैंक टोकन जाने वालों का। हां यार भाई सुबह के 6 बजे कोई पहुंच रहे, कोई रात के 12 बजे, अपन नॉर्मल होते हैं ना अमित भाई, शाम को 9 बजे तक पहुंच जाते आधे बजे तो। अरे वही तो बोल रहा हूं, वरना अभी रोमी बेचारा ग्रैंड मास्टर में होता है। हमारा अगला न्यूज है मोबाइल बनी के बारे में। तो मोबाइल बनी ने ये कहा कि वो धीरे धीरे फ्री फायर को छोड़ देंगे और उसके बाद वो वैलोरेंट और पबजी जैसे गेमों में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा वो क्यों करेंगे, इसके पीछे भी उन्होंने कुछ रीजन दिया, तो आप लोग उनके एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये सबसे ज्यादा मेन रीजन था कि मैंने ये चीजें छोड़ दी, मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूं, बाय द वे मैं पबजी मोबाइल इंडिया आने का वेट कर रहा हूं, उसके बाद हम उस पे शिफ्ट करेंगे, पहले उसको खेलना सीखेंगे, धीरे धीरे खेलना अच्छा सीख जाएंगे तो हम उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। फ्री फायर में जितने दिन तक हूं तब तक हूं, वैसे सबसे ज्यादा मुझे इंतजार है वैलोरेंट मोबाइल का, क्योंकि सुनने में आया है कि वो भी आ रहा है, तो हम तुरंत उस पे शिफ्ट करेंगे, वहां के ई स्पोर्ट्स को तुरंत ज्वाइन करेंगे। और फ्री फायर में जब तक है तब तक है, जब तक खेल रहे हैं तब तक खेल रहे हैं, बाय द वे धीरे धीरे सबको एक्सपोज करते करते यहाँ पे जो है फ्री फायर को हम लोग बंद कर देंगे। अगला न्यूज है टूबी गेमर के बारे में। तो करीब 20 दिन बाद टूबी गेमर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना छोड़ देंगे और यूट्यूब को छोड़ के वो फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करना शुरू करेंगे। तो इसके ऊपर टूबी गेमर ने क्या कहा था, सुन लीजिए। और गाइस मैं जल्दी मतलब फेसबुक पे शिफ्ट हो रहा हूँ, गाइस ठीक है, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, तो गाइस आप लोग मतलब फेसबुक कौन कौन देखने के लिए आओगे प्लीज बोल दीजिए ना, मैं फेसबुक पे शिफ्ट हो रहा हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मतलब मैं यूट्यूब पे लाइक होता है ना ऑफलाइन वीडियो पे फोकस करूंगा, एंड जो लाइव है मैं फेसबुक में करूंगा, अभी नहीं 20-30 दिन के बाद। यूट्यूब पे क्यों नहीं गई मुझे, यूट्यूब पे अभी नहीं गई, यूट्यूब से मैं उधर जाऊंगा फेसबुक में 2-3 महीने के लिए, उसके बाद आ जाऊंगा।
अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने ऐसा काफी वीडियोस देख लिया होगा जिसमें किसी यूट्यूबर ने टोटल गेमिंग को गेम में मार के वीडियो अपलोड किया है। तो इन सब के वजह से टोटल गेमिंग ने ये कहा कि जब वो अपने चैनल पे लाइव आते हैं तो उस टाइम पे सारी यूट्यूबर का आईडी बैन होना चाहिए जब तक उनका स्ट्रीम खत्म नहीं हो जाता, ताकि कोई भी यूट्यूबर उनके गेम में आ ना सके। पर ये सब बस टोटल गेमिंग का एक ख्याल था। तो इसके ऊपर टोटल गेमिंग ने क्या कहा था सुन लीजिए। एक काम करना चाहिए, सुबह के टाइम में सुबह से जब मैं लाइव पे आता हूँ ना, तब सभी यूट्यूबर का आईडी बैन कर दो, तीन तीन चार चार घंटे के लिए जब मैं लाइव करता हूँ, उसके बाद ओपन कर दो। कैसा रहेगा आइडिया? मतलब की आइडिया बच का ना है, बट अच्छा है, ताकि ना गेम खेलेगे ना मेरे गेम के अंदर आएंगे, और मेरे गेम के अंदर आते ही उन लोगों का पिंग हाई चला जाना चाहिए 999+, या तो फिर ऐसा होना चाहिए मेरे को मारी ना पाए भाई, और मैं जाके बुके से पेल दू। अगला न्यूज है गेमिंग ओरा के बारे में। तो गेमिंग ओरा ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया और इसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत ही जल्दी गेम में एक छोटा सा अपडेट आने वाला है और इस अपडेट के जरिए गेम में एक एंटी हैक सिस्टम लाया जाएगा, और इसके आने के बाद अगर आप अपने आईडी में किसी भी तरह का छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हो तब आपका आईडी 3 दिन के लिए टेम्पोररी बैन हो जाएगा, और फिर भी अगर आप अपने आईडी में बार बार मॉडिफिकेशन करते रहते हो तो आपका आईडी परमानेंट बैन हो जाएगा। तो इसी के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप लोग गेमिंग ओरा के इस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बहुत ही जल्दी सिप गेमिंग अपना एक क्यूएनए वीडियो लाने वाले हैं और इसी के ऊपर उन्होंने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो प्री गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर, एमडीएस गेम स्टेशन ने कंप्लीट कर लिया है 2 मिलियन सब्सक्राइबर, एस आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर, और टीएजी लेजेंड को मिल चुका है उनका गोल्डन प्ले बटन। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।